आए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें और मिलकर हम गाएंगे कि तेरे नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में। आए उस परमेश्वर की हम स्तुति गाएं, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो पवित्र है, वो आदर के योग्य, वो महिमा के योग्य, वो स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। आए उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी आराधना में हम खो जाएं।
करे, उसका गुणानुवाद करे। धन्यवाद करते हैं और हमारे जीवनों में आज हम आपको वेलकम कहते हैं, हमारे घर में आज आपको वेलकम कहते हैं, हमारे परिवार में आज आपको वेलकम कहते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आज एक एक व्यक्ति तेरे प्यार का, तेरी उपस्थिति का अनुभव करने पाए, वो जानने पाए कि आप सच्चे खुदा उनके साथ हो जो आप उनको प्यार करते हो। चाहे वो बीमारी में क्यों पड़े ना हो, चाहे वो मुश्किलों में क्यों ना पड़े हो, लेकिन आज वो महसूस करने पाए कि प्रभु आज उनके साथ आप हो। जितनों तक हमारी आवाज जा रही है, प्यारों आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि यीशु आपके साथ है, यीशु आज आपके साथ है, क्योंकि वो वचन का पक्का परमेश्वर है। उसने बोला है मैं तेरे संग रहूंगा, तो वो आपके संग बना रहेगा। सिर्फ आपको विश्वास करना है। आज आप हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना कीजिए और उसके प्यार का अनुभव कीजिए कि वो कितना प्यारा और कितना महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो जीवन को बदलता है। जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। यीशु के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर यीशु हमारे जीवन में है तो हमारे हर एक कदमों को वो संभालता है, आगे चलने में हमारी अगुवाई करता है, वो भटके हुए लोगों को राह दिखाता है और नई मंजिल को मंजिल लेकर जाता है। आए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। क्या आपके जीवन में यीशु आया है? तो दूसरा प्रश्न ये है कि यीशु के आने से क्या आपका जीवन बदल गया है? तो आए उसको धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें और उसको कहकर धन्यवाद करें कि प्रभु तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं तो भटका हुआ था लेकिन मुझे एक राह नहीं मिल गई। हालेलुया।
आए खड़े होकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। Shiva, Shiva, Shiva.
अटके हुए राही को राह नई मिल गई। पर अगर मैं मेरे जीवन की बात करूं, मेरे जीवन की अगर एक बात मैं आपके आगे करूं, तो वो है कि जब मैं यीशु को नहीं पहचानती थी, मेरी राह भटकी हुई थी। मेरे जीवन में कोई ऐसी राह नहीं थी, कोई ऐसी दिशा नहीं थी। मैं यहाँ वहाँ भटकती थी, कहीं से मुझे शांति मिले, कहीं से मुझे आराम मिले, लेकिन कहीं से मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, यीशु को मेरे जीवन में स्वीकार किया, तब परमेश्वर ने मेरी गंदी जिंदगी को बदल दिया। एक नई राह मुझे जीवन में परमेश्वर ने दी। प्यारों, आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा या इससे भी कुछ अलग हुआ होगा। परमेश्वर ने भी आपकी जिंदगी बदल दी होगी, आपके खराब स्वभाव को बदल दिया होगा, पापों से आपको छुड़ाया होगा, बंधनों से छुड़ाया होगा, व्यसनों से छुड़ाया होगा। आपकी जिंदगी को यीशु ने बदल दिया है। अगर बदल दिया है तो अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें कि अगर यीशु तूने जिंदगी नहीं बदली होती तो आज मेरा नाश हो गया होता होगा, हुआ होगा। पर तूने मेरी जिंदगी बदली और आज मैं तुझ में आनंदित और मगन हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु तेरे बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो उठते तूफानों में साथ रहने वाला परमेश्वर है। पतरस को परमेश्वर ने संभाला, वो तूफानों को शांत किया। परमेश्वर को वो अधिकार है जो तूफानों को भी शांत करे। चाहे कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बड़ी बीमारी, आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके शरीर में आज कैसी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज विश्वास कीजिए, हमारे साथ मिलकर ये कहे, परमेश्वर आज आपकी बीमारी से आपको छुड़ाएगा। विश्वास कीजिए, उसका वचन है, तेरे मध्य में से मैं रोगों को दूर करूंगा। वो यहोवा रोफेगा है, वो बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी ताकत है, वो हमारा ईमान है, वो बीते कलों में भी हमारे साथ था और आज भी और युगानुयुग हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें और मिलकर ये गाना गाएं। Oh,
यीशु तू मेरी ताकत है, तू मेरा ईमान है। कवर के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। तुम्हारे तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है। चाहे पैरालिसिस हो, चाहे कोई भी डिसीज हो, वो चंगाई अपने देने वाला परमेश्वर है। यस, साथ मेरे था, आज भी मेरे पावर में फंसने नहीं देगा परमेश्वर। अगर आपने उसका हाथ पकड़े रखा है तो उस पावर में से वो परमेश्वर बाहर निकालेगा। सच में प्यारो, हमारा प्रभु वो है जो पावर में से बाहर निकालता है। पावर ऐसा होता है जिसमें एक ही हवा बार 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 रिपीट होती रहती है। क्या आप भी ऐसे भंवर में फंसे हो क्या? बार बार कोई ना कोई बीमारी आ रही है, बार बार कोई समस्या आ जाती है। एक में से निकलते हो, दूसरी आ जाती है, दूसरी में से निकलते हो, तीसरी आ जाती है। पर एक बार ऐसे भंवर में याद रखने की बहुत आवश्यकता है प्यारो, कि यीशु ही हर भंवर पर ताकत रखता है, हर तूफान पर अपना अधिकार रखता है प्यारो, और उसका नाम काफी है प्यारो। प्रभु यीशु ने हमें ऐसा नहीं बोला है कि उसके नाम से कुछ मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, उस भाई साहब के नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, गवर्नमेंट के नाम से मांगोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। पर प्रभु ने यह लिखा है कि मेरे नाम से मांगोगे, मतलब यीशु का नाम दिया। यीशु का नाम हर आंधी पर, हर तूफान पर, हर भंवर पर, हर बीमारी पर अधिकार रखता है प्यारा। सो प्यारो निश्चिंत ना हो। कई बार बहुत सारे लोग बीमारियों में लोगों को फोन करते हैं, पर हम आपको कहना चाहते हैं ऐसे समय में यीशु का नाम और उसका शब्द काफी है। उसके शब्द को देखे प्यारो और विश्वास के कानों को खोल दे और उसके शब्द को सुने। उसके शब्द ये कहते हैं कि उसने हमारे हर दर्द को लिया है।
उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। वही पतरस जो एक समय डरपोक था, प्रभु के सामर्थ्य से बलवान हो गया। वो कहने लगा कि तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। पहला पत्रस 2:14 में साफ, 24 में साफ लिखा यार, उसका वचन काफी है हमारे लिए, उसके क्योंकि उसका वचन जीवित है। उसका वचन अधिकार इसीलिए रखता है कि वो जीवित है, समर्थ है, प्रबल है। वो गांठ गांठ को, गुदे गुदे को आर पार छेदने वाला वचन है। सो प्यारो, कोई भी भवर हो, बीमारी हो, उसके वचन पर विश्वास कर कर अपने मुंह से बोले, उस बीमारी को कहे। कई बार हमें उखाड़नी पड़ती है बीमारियों को, समस्या को उखाड़नी पड़ती है। इसलिए यीशु ने लिखा है, इस पहाड़ को उखड़ने को कहोगे तो वो उखड़ जाएगा। कहो बीमारी से, तेरा बस, तेरा सर झुका है। दुनिया में जिसके पास यीशु का नाम नहीं है, वहां तेरा सर खड़ा रह सकता है, पर हमारे आगे नहीं, क्योंकि हमारे पास, हमारे भीतर यीशु है और हमारे मुंह पर यीशु का नाम है। और इसलिए हम पर तेरा बस नहीं चल सकता है, हम तेरे बस में नहीं रह सकते हैं, हम यीशु के बस में है। और इसलिए उसकी इच्छा पूरी होगी। बीमारी की इच्छा यही है कि आपको खत्म कर डाले, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, पर यीशु की इच्छा ये है कि आप जिए और भरपूरी का जीवन पाए। इसलिए उसने कोड़े खाए और भरपूरी का जीवन जाहिर किया है। उसके शब्दों के द्वारा उसने अपने शब्दों को भेजकर हमारी चंगाई रखी है। प्यारो, ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है जो आपके ऊपर चल सके, कामयाब हो सके, कोई नहीं। प्यारो, यीशु के नाम के ऊपर कुछ भी कामयाबी, कोई भी इस दुनिया की कोई ताकत हासिल नहीं कर सकती। विश्वास में मजबूत होकर अगर कोई बीमारी है आपके शरीर में, तो विश्वास में, विश्वास से भरपूर होकर कहे कि बीमारी देख तेरा सर झुका और मुझ पर तेरा बस न चल सका। क्योंकि बीमारी में मेरा यीशु हर एक को कहता था कि उठ जा, तेरा बिस्तर लेकर चल और फिर तू चला जा। विश्वास में तेरा बेटा, तेरा नौकर चंगा हो गया है, तू चला जा। मैं ये कहता हूं। आए मिलकर गाएं, बीमारी देख तेरा सर झुका, विश्वास से आप पाए। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, हमारे ऊपर उसका कोई बस नहीं चल सकता। ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं है जो कर सकेगा सामना।
हम अकेले नहीं है, हम भटके हुए नहीं है,
क्योंकि हमारा चरवाहा तो यीशु मसीह है, हमारा मार्गदर्शक तो यीशु मसीह है, हमारा वे मेकर यीशु मसीह है। प्रभु सारी आलम मान और सम्मान और जलाल हम त्रिएक परमेश्वर हमारे सिर को आपके आगे झुका कर देते हैं, क्योंकि अगर उसके योग्य अगर कोई भी है तो वो सिर्फ त्रिएक परमेश्वर आप ही हो। थैंक यू सो मच डैडी, थैंक यू सो मच। हमारे अर्पण को कबूल कीजिए परमेश्वर, हमारी बलियों को अर्पण को कबूल कीजिए परमेश्वर, हमारी आराधना रूपी बलि को अर्पण को कबूल कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम में।